पीलीभीत की तहसील बिसलपुर के ग्राम बमरोली में मुख्य मार्ग पर जूनियर हाई स्कूल के लिए आवंटित की गई ग्राम समाज की जमीन भूमाफियाओं ने राजस्व विभाग से मिली भगत कर कब्जा कर लिया और मकान और दुकानों का निर्माण करा लिया। 4.5 एकड़ इस भूमि की कीमत करोड़ों रुपए की है। मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद मामले में जांच शुरू की गई है, जिसमें बड़ा घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ग्राम समाज की 4.5 एकड़ भूमि जूनियर हाई स्कूल के लिए आवंटित की गई थी। बाद में राजस्व विभाग ने इस जमीन पर दलितों को पट्टे आवंटित कर दिए और इसके बाद बिना किसी परमिशन के दलित पट्टेदारों से सामान्य लोगों ने बेनामे करा लिए, जबकि बिना परमिशन के दलित को दिए गए पट्टे की जमीन बिक ही नहीं सकती। मामले में जांच के बाद यह सामने आया कि सरकारी रिकॉर्ड में आज भी यह सामने आया कि यह जमीन स्कूल के नाम पर ही आवंटित है। नहीं तो सवाल उठता है कि आखिर यह पट्टे कैसे कर दिए गए और पट्टे की जमीन का बैनामा कैसे हो गया। साथ ही यह नियम भी है कि अस्पतालों और स्कूलों के आवंटित की गई जमीन पर पट्टे नहीं हो सकते। दलितों को पट्टे केवल ग्राम समाज की भूमि के लिए किए जाते हैं। सरकारी अधिकारी अब अपनी गर्दन बचाने के लिए शिकायतकर्ता से कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, जबकि शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने तो अपना कर्ज समझकर इस करोड़ों की सरकारी जमीन की सूचना सरकार को दे दी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी कि गांव बमरोली तहसील बिसलपुर में एक मामला है मेरे संज्ञान में, कि वो ये था कि प्लाट नंबर 409 जो कि CH 41 में जूनियर हाई स्कूल के लिए सुरक्षित था, किसी कारणवश कब इसके पट्टे कर दिए गए इसकी जानकारी तो नहीं है मुझको, लेकिन जब पट्टे कर दिए गए, पट्टे के बाद में जब उसको जब फर्दे चेक की तो सारी दलितों के नाम भी थी। आज वहाँ पर देखने में आता है कि सभी दुकानें बनी हुई हैं, दबंग लोग हैं उसमें। जब दुकानें बनी हुई हैं तो उसका जानकारी की दुकानें कैसे बन गई तो पता लगा इन सबकी रजिस्ट्रियाँ होगी। और चूँकि उत्तर प्रदेश में बिसलपुर तहसील के अंदर ये बड़ा खेल खेला जा रहा है कि दलितों की जमीन बगैर किसी परमिशन के रजिस्ट्री हो जा रही है, और रजिस्ट्रियाँ होने के बाद भी आज तक उन में किसी का भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है। फर्दों में नाम आज भी उन्हीं दलितों के आ रहे हैं। चूँकि मैंने शिकायत की तो शिकायत के बाद में वहाँ निस्तारण करके पोर्टल पे मेरे को भेजा गया और कहा गया कि आपकी जो शिकायत है कि पूर्व में पट्टे किए जा चुके हैं, जगह जो है 409 नंबर प्लाट 4.29 एकड़ जो है विद्यालय के लिए सुरक्षित जिल्द में है, उसके बावजूद वहाँ के जो SDM महोदय उन्होंने लिखा है मुझे कि आप इस की कार्रवाई के लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय जा सकते हैं, जबकि ये सारी प्रक्रिया जो है तहसील से ही ख़त्म होनी है या फिर जिलाधिकारी महोदय करें। सरकारी जमीन के लिए मैं न्यायालय क्यों जाने लगा, मेरा काम था कि सरकार को सूचना दूँ। ग्राम बमरोली में कुछ जमीन जो है स्कूल के नाम दर्ज है पुरानी, उसके पट्टे कैसे हुए? अब इसमें बमरोली में जो है 409 नंबर नई पर्थी के नाम से दर्ज है और विवरण के कालम में स्कूल के लिए आरक्षित दिखाया गया है। इसमें यह शिकायत मिल रही है कि इसमें कुछ लोगों ने बैनामे करके जो है इस पर मकान वगैरह बना लिए हैं, तो ये चूंकि पुराना प्रकरण है और बैनामा पुराने बताए जा रहे हैं, तो लोगों के अभिलेख मांग करके देखे जाएंगे और जाँच की जाएगी वस्तुस्थिति क्या है और किस प्रकार से ये लोग इस विवादित जमीन पर आ गए हैं, तो उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ सुनने में आया कि देखने में आया है कि दलितों की जमीनें हैं, पट्टे जो हैं दलितों के हैं और सामान्य कास्ट के लोगों के मकान हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? अगर इस तरह का प्रकरण है और एक एक मामले को मैं देख रहा हूँ, अगर इस तरह कोई प्रकरण आता है तो अगर बिना परमिशन के बैनामा करा करके उस पर कब्जा किया गया है तो उस पर उसको कैंसिल करने के लिए कलेक्टर से रिपोर्ट दे दी। कुछ लोग दिखा रहे हैं कि बैनामा हमारे नाम है, वो बिना परमिशन के बैनामा हो जाता दलितों की जमीन का? अब वो देखने पर ही सही स्थिति का पता चल पाएगा कि वस्तु स्थिति क्या है।